कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को पुलिस ने बताई पुरानी रंजिश, आरोपियों से पूछताछ जारी। कर्नाटक के मंत्री केसी नारायण गोडवा का बयान, शहर में शांति व्यवस्था बहाल होने का दावा। शिमोगा मर्डर केस में बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग। शिमोगा कांड में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री शोभा करंजले ने की सीबीआई जांच की मांग। शिमोगा में 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश, धारा 144 लागू। यूपी में 5वें दौर के लिए आज दिग्गजों की हुंकार, बहराइच में पीएम मोदी की रैली, दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। यूपी में आज सीएम योगी का तूफानी प्रचार, 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। अयोध्या के मिल्कीपुर में बोले योगी, समाजवादियों के संवेदना आतंकियों के साथ। अखिलेश यादव भी आज प्रचार में झोंकेंगे पूरी ताकत, 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रयागराज चित्रकूट में अखिलेश की 1-1 रैली, जबकि कौशाम्बी में अखिलेश की 2 जनसभाएं। यूपी में आज अमित शाह 4 रैलियां करेंगे, प्रयागराज में करेंगे 3 रैली। यूपी के गोरखपुर, देवरिया और बलिया में आज बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे जेपी नड्डा। यूपी के बलिया और गोरखपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। यूपी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी 3 रैलियां। स्मृति ईरानी बाद में डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव पर आज तक से बोले नड्डा, लोगों में कमल के प्रति बढ़ा रुझान। पंजाब में नड्डा ने जताई हंग असेंबली की संभावना, बोले राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मुश्किल। जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति। अगर लखीमपुर को लेकर जयंत चौधरी ने योगी सरकार को घेरा, बोले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दी आशीष मिश्रा के जमानत को चुनौती। निजीकरण को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट, लिखा सिर्फ बैंक और रेलवे के निजीकरण से 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी जबरन सेवानिवृत्ति यानी कि बेरोजगारी। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में है फर्क। जेपी नड्डा ने कहा हिजाब मसले को लेकर विपक्ष देश को जलाने की कर रहा कोशिश, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, यूपी में बीजेपी को लगने वाला है 440 वोल्ट का तेज झटका। हरदोई में अखिलेश ने पीएम को अपने अंदाज में किया परिभाषित, कहा शहरों के लोग पीएम यानी कि टॉकर्स एंड मूवर्स का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं। सीतापुर में अमित शाह ने किया समाजवादी पार्टी पर वार, कहा यूपी में अब नहीं है बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। यूपी में 4थे दौर के लिए कल थमा चुनाव प्रचार का शोर, बुधवार को 9 जिले की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 4थे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सारे दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा, कहा विपक्ष ने कमजोर की आतंक के खिलाफ लड़ाई। इस सपा बसपा कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले, अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के अब्बा जान से जोड़ा कनेक्शन। आतंकवादी को फांसी किसका जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी पर योगी का बड़ा हमला, कहा बमबाजी वाली साइकिल को पंचर कर देगी जनता। हरदोई में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, बोले पहले बिजली का भी धर्म होता था।
बीजेपी पर अखिलेश यादव का पलटवार, हरदोई की रैली में बोले, जनता ने खड़ी कर दी जिनकी खटिया, उनके बयान है घटिया। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। मेरठ में पुलिस ने एक अपराधी की 1,50,00,000 की संपत्ति सीज किए। आजमगढ़ में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का लगाया आरोप। चुनावी ड्यूटी में शिकोहाबाद से लखीमपुर खीरी जा रहे सीआईएसएफ के जवान हादसे का शिकार, सीतापुर में पलटी बस। बस पलटने से सीआईएसएफ के 16 जवान हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। करौली में एसीबी की टीम ने एक एएसआई को 55,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा। आज भारतीय नागरिकों को लेकर कीव से दिल्ली पहुंचेगी एयर इंडिया की पहली उड़ान। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, खुलते ही 1000 पॉइंट लुढ़का सेंसेक्स। निफ्टी में भी करीब 250 अंक की गिरावट, निवेशकों का 4.3 लाख करोड़ रुपए डूबा।